संतोषी कहाँ है? अंदर है, हमने उसे बांध कर रखा है। मुझे अंदर लेके चलो। तो यहाँ हो तुम? हम तुम्हारी जान ले लेंगे। पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। और कितनी दूर है आपका शहर? अब बस हम सही रास्ते पे, थोड़ी देर में शहर एंटर कर जाएंगे। बस थोड़ी देर में शहर पहुंचने वाले। बड़ी एक्साइटमेंट है ना तुम्हें शहर पहुंचने की? बस बस ही रास्ते पे। द्राक्षी, द्राक्षी, लगता है थक के सो गई। मॉम, बहुत देर से भाग रहे, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। संतोषी चाहिए या आराम? मुझे संतोषी चाहिए मो, तो चलो जल्दी। उन सब से तो बच गए, लेकिन अब कहाँ जाए, किसके पास जाए? पानी के हमसे एक कदम भी और नहीं चला जाएगा। संतोषी अभी तक घर पहुंची नहीं, और जब भी वापस आएगी मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कहां जा रही है? मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यही संतोषी के लिए वेट कर रही हूं, ताकि वो जब भी वापस आए उसका सामना सीधा मेरे साथ हो। रुद्राक्षी उठो, देखो शहर आ गया। वाओ भैया, आपका शहर तो बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल आपकी तरह है ना। भैया, सारी मेहनत तो आपने की पर थकावट मुझे हो रही है, मुझे अभी प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। पानी पीना है? आओ मेरे साथ। चलो पानी पी लो। भैया पानी कैसे पिए?
कैसे पियो मतलब? इतनी बड़ी लड़की हो गई तुम्हें पानी पीना नहीं आता? ये देखो पानी को ऐसे करते हैं, पानी गिरता ऐसे पीते। पी लो। नहीं पहले तुम पी लो उसके बाद मैं पी लूंगा। कैसे रहे ये हम जानते हैं। अब आप छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। ये सब संतोष की माँ की कृपा से हुआ। उन्होंने हमें आपको वापस दे दिया। आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? दूर हटो मुझसे। अभी अभी हम मिले हैं सर और अब चुप। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। भैया ये आप। और तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगी, हमारे बीच का मामला समझी। मुझे पता है कि तुम मेरा पीछा कर रही हो ताकि तुम अपना वो जादू टोना कर पाओ मुझ पे। हमारा जादू? कोई बात नहीं, जो दिल कर रहा कह लीजिए, क्योंकि ये आप नहीं कह रहे। कृष्णा और कामिनी ने आपका दिमाग खराब कर रखा। अरे दिमाग नहीं, मेरी जिंदगी खराब कर दी तुम। पता नहीं क्या क्या देखने को मिल रहा है मुझे। अरे तुम्हारे चक्कर में क्या क्या नहीं सह रहा हूं मैं। पर अब और नहीं, क्योंकि मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी जान लेके मैं ये सारी प्रॉब्लम खत्म कर दूंगा, समझी? देखो रुद्राक्षी, तुम कुछ नहीं जानती हो। इस औरत ने मेरी जिंदगी को ना नरक बना दिया। ऐसा सच कह रहे हैं, आपको गलत फहमी हो रही है। आपने कुछ नहीं किया संतोषी माँ की कसम। ये तो संतोषी माँ की भक्त है, मतलब ये झूठ नहीं बोल सकती। संतोषी और रुद्राक्षी के जुड़ने का मुख्य कारण आप ही है ना माँ? देवी संतोषी की एक भक्त क्या कम थी जो एक और आ गई? अपने आप को बचाने के लिए तुम कृष्णा जी को बदनाम कर रही हो। भैया छोड़ो उन्हें, देखिए कितना दर्द हो रहा है। इसका मरना बहुत जरूरी है। माते, रुद्राक्षी संतोषी के पति को रोकने में सफल नहीं हो पाई। उसका साहस क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाया। देवी संतोषी, तनिक अपनी दृष्टि डालिए यहाँ पर। आपकी दो भक्त मिलकर भी संतोषी के पति के क्रोध की ज्वाला को शांत नहीं कर सके। देखेगा, आज आपकी परम भक्त का अंत निश्चित है। जल्दी कुछ करना होगा। जय संतोषी माँ। रुद्राक्षी हाथ छोड़ो मेरे। नहीं पड़ता पुलिस मुझे पकड़ ले। अरे ऐसे मार के ना मैं जेल तो क्या, नरक में भी चले जाऊंगा। बस भैया आप गुस्सा मत करो, ये संतोषी माँ की भक्त है। माँ की भक्त किसी को तकलीफ नहीं देती।
रुद्राक्ष, तुम्हें नहीं पता इसने मेरे साथ क्या किया। इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। और इस बात को समझने के लिए रुद्राक्ष, तुम बहुत छोटी हो, तुम नहीं समझ पाओगे। उम्र में छोटी हूँ, पर इन्होंने संतोषी माँ की कसम खाई जो झूठी नहीं हो सकती। अरे सर, हम सच कह रहे। चुप। दीदी, आप इस समय कुछ मत कहिए। भैया, तुम कह रहे थे कि इन्होंने तुम्हें बहुत परेशान किया, पर बाकी जो औरतें थी उन सब ने आपको सिर्फ खुशियाँ दी थी। तुम क्या कहना चाहते? आप घर चलो, आपको बताती हूँ, लेकिन गुस्सा मत करना। अगर आपको एक बार भी लगे कि मैंने आपकी जिंदगी बचाई है और आप मेरा एहसान चुकाना चाहते हो, तो चलो और छोड़ दो इन्हें। अगर तुम कह रही हो तो ठीक है, छोड़ देता हूं इसे। इस बालिका ने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। रुद्राक्षी ने अपनी चतुराई से स्थिति को संभाल लिया। सूझबूझ सदैव अपना प्रभाव दिखाती है। इस बार संतोषी को उसकी संतोषी मां भी नहीं बचा सकती। ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं माँ, बस धार चेक कर रही थी ताकि संतोषी कैसे भी बच ना पाए। रुद्राक्ष, जल्दी चलो। धैर्य वापस आ गया। धैर्य, धैर्य, तुम वापस आ गए। ठीक हो? फिर से आ गई अपने जाल में फंसाने के लिए। इसकी असलियत तो हम सबके सामने लाएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी कुछ भी किया तो ठीक नहीं होगा। अरे मेरे बच्चे वापस आ गए। धैर्य, मेरे बच्चे। कमाल है, धैर्य जिंदा है। कहीं से पता तो नहीं चल गया कि इसे हमने नदी में डुबाया था। और ये संतोषी, इसने धैर्य को दोबारा अपने वश में तो नहीं कर लिया? अरे बेटे, कहाँ चले गए थे तुम? ये भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों वापस आ गए। और संतोषी बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? अंदाजा नहीं लगा सकती थी कि हम कितने परेशान हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं काका, हम ठीक हैं। दादू, आप तो बिल्कुल मेरी तरह हर एक बात में रोते हो। अरे बेटी, तुम कौन हो? पापा, ये रुद्राक्षी, इसने मेरी जान बचाई थी।
अब इसका दुनिया में कोई नहीं है तो मैं इसे अपने साथ घर ले आया, हमारे साथ रहेगी। अच्छा अच्छा दादू, हम बहुत थक गए हैं, अंदर चल के बात करते हैं। हाँ बेटे चलो चलो। नहीं तृष्णा, ये सही वक्त नहीं है धैर्य से बात करने के लिए। तुम देख नहीं रही हो, संतोषी के साथ वो घर वापस आया है। पहले पता तो करो कि क्या हुआ था, और ऐसा ना हो कि संतोषी फिर से धैर्य को कंट्रोल कर रही है। और वो लड़की मुझे सही नहीं लगी। पापा जी, ये लीजिए आपके लिए लस्सी। अरे वाह, आप दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, थक जाते होंगे ना, सारी थकान दूर हो जाए। वो तो है, अरे बहुत भूख लगी थी हमें तो। है ऐसा लगता है परसों से पैसे। ओहो नकली के भगवान, जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि भक्तजन कभी भी आ सकते हैं। आ रहे हैं बड़की बाबू जी, मरो मत, है आ रहे हैं। हराम कर रखा है इसने। वाह मजा आ गया। तुम कुछ कह रही थी, बता। नहीं वो अब मान लिया हम तुम्हारे ससुर हैं, लेकिन तुम हमें अपने पिताजी समझो, हैं? कुछ बात है तो बताओ, खुल के बताओ। पापा जी वो क्या है ना कि आप रात भर इतनी मेहनत करते हैं और घर में लक्ष्मी लेकर आते हैं। हाँ वो तो है। और फिर आधी लक्ष्मी आपको ताई जी को दे देनी पड़ती है। हमें ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, हमें इस बारे में ना कुछ करना चाहिए। हाँ बहुरिया तुम सही तो कह रही, लेकिन अगर हमने अपनी तिजोरी बंद करी तो वो अपनी जवान खोल देंगे। हाँ हमारा भांडा फोड़ देगी सबके सामने, बताओ क्या करें। अजीब, आप ना चिंता मत कीजिए, वो हमारे पास ना इसके लिए एक तरकीब है। क्या है बताओ। वाह बहुरिया वाह, अब लगा कि तुम हमारी बहुरिया हो। आह क्या आइडिया दिया है, जबरदस्त है। अच्छा एक काम करो, जाओ बाहर जाओ, तैयारी शुरू करो, हम जरा तैयार कराते हैं। बड़की भाऊजी अब तुम देखो हम तुम्हारी कैसी पुंगी हो जाते हैं। ज़ाहिर है, तुम आखिर बताओ तो तुम चले कहां गए थे। आप भैरे को क्या पूछ रहे। मैं बताती हूं आपको, संतोषी ने धैर्य को गायब किया था, वो उसे मारना चाहती थी। अच्छा हम अपने पति को ही मारना चाहते थे अपने हाथ से। बच्चा भी इस बात पे यकीन नहीं करेगा। सच क्यों नहीं बता देते कि आप दोनों मिलकर धैर्य सर को मारना चाहते थे। शट अप संतोषी, तुम्हारी बकवास बातें कोई नहीं सुनने वाला। कृष्णा हम अपनी बहू को अच्छी तरह जानते हैं और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि सपने में भी वो धैर्य को मारने की सोच भी नहीं सकती। आप कुछ भी नहीं जानते उसके बारे में। ये बहुत चालाक औरत है। ओफो, आप बड़े लोग भी ना छोटों से गए गुजरे हो, कैसे रहते हो। पर भैया आप कुछ मत कहना। मॉम का
काश भैरव ने उस पेंडेंट को गले से निकाला ही नहीं होता तो आज इस बहस की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम आपको मारने की कोशिश कर सकते हैं? इस दुनिया में आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। अगर आपको कुछ हो गया तो हम जीकर क्या करेंगे? ये जो मांगने हमारे सिंदूर है ना, वो सिर्फ आपके होने की निशानी है। अगर हमारी जिंदगी में आप नहीं तो हमारे जीवन में कुछ नहीं बचेगा। अगर सिंदूर की कीमत नहीं होती तो हम इसे अपनी मांग में क्यों सजाते धैर्य से? संतोषी, क्या बड़ी बड़ी बातें करके धैर्य को उलझाने की कोशिश कर रही हो? बड़ी बातें कर रहे हैं क्योंकि बड़ा रिश्ता है हमारा। पर आपको क्यों समझा रहे हैं? आपकी समझ नहीं आएगा क्योंकि छोटी सोच रखने वालों को सुहाग जैसी बड़ी बातें नहीं समझ में आती।